अल्लाह भला करे। देवा, अरे तात्या आओ आओ बैठो। तात्या आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। आज दशहरा नवरात्रि का पहला दिन है ना साईं बाबा। दशहरा मुक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन। मतलब इस शरीर रूपी चोले से मुक्ति का दिन। मैं कुछ समझा नहीं देवा। तात्या इसे समझने के लिए तुम्हें भविष्य का इंतजार करना होगा। अच्छा ये तो बताओ बाहर क्या चल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी द्वारका मस्जिद में दशहरे का जोरदार जश्न चल रहा है। बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बाबा। और इस बार तो वो जयकर भी आया है। जयकर? हाँ हाँ वो चित्रकार। हाँ बाबा बाहर चलिए ना बाबा। चलो लक्ष्मी तुम रंग नहीं खेलोगी? जो तुम्हारी भक्ति के रंग में रंगा हो बाबा उसे रंग खेलने का कैसा चाव। मैं भगवान नहीं हूँ लक्ष्मी, लेकिन भगवान भी तुम्हारी भक्ति पाकर धन्य हो जाएंगे। प्रणाम बाबा। आओ अल्लाह माने। लक्ष्मी इंसानों ने रंगों को भी मजहब के दायरे में कैद कर रखा है। रंग तो प्रकृति की देन है, इन्हें मजहब के कमजोर धागों से बांधा नहीं जा सकता। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है बाबा? मुझे प्रकृति का हर रंग पसंद है। मुझे संगीत के साथ सुर, इंद्रधनुष के साथ रंग, मुझे सब पसंद है। अल्लाह माने। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। मां बेटे बेटे क्या हो रहा है तुम्हें? ठंड लग रही है बेटे। मां क्या करूं मैं बेटे? पानी पी लो थोड़ा सा पानी पी लो बेटे। बेटे मेरे गोद में सो जा। अभी मैं क्या करूं? रामू बेटे बेटे आंखें खोलो। रामू अरे जल्दी आओ रामू। क्या माई? क्या हुआ माई? माई क्या हुआ? देखो देखो मुन्ना कैसे कर रहा है। माई इसे नापावड़ी वैद्य के पास लेकर चलते हैं। हाँ। नहीं हम इसे बाबा के पास लेके चलते हैं। साईं बाबा के पास। हाँ माई हाँ माई चलो 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 पूरा जल्दी। मुन्ना अभी बाबा के पास चलते हैं जल्दी ठीक से जल्दी चलो। कहाँ जा रही हो तुम? वहीं चार दिन हिंद दुखी को आश्रय मिलता है। मतलब? मतलब अनाथों के नाथ शिरडी पुरीश्वर साईनाथ के पास। शिरडी पुरीश्वर साईनाथ के पास? मेरे सामने उस पाखंडी का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मेरे बच्चे की जिंदगी साईं बाबा ही लौटा सकते हैं। तुम्हें मेरी दवा पे जरा भी विश्वास नहीं है? तुम्हारी दवा खा खा कर तो मेरा बेटा ठंडा हो गया। अब उस साईं बाबा की दुआ चाहिए। और मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। नहीं जाने दूंगा नहीं। मैंने तुम्हें बहुत सहाय वैद्यराज कुलकर्णी, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना वरना अनर्थ हो जाएगा। कैसे हो जयकर? ठीक हूं साईं बाबा। ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार। ओ बाबा तेरे हाथों में दे दी पतवार। ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार। ओ बाबा तेरे हाथों में दे दी पतवार।
पार, ये नैया हमरी साई लगा दे उस पार। ओ साई तेरे हाथों अमीर हो सब सवार इस नैया में, हर मजहब के लोगों का सम्मान है इस कश्ती में, तेरे हवाले नैया बचा ले, तेरे नैया बचा ले, तू ही है करतार। ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ बाबा तेरे हाथों में दे दी पतवार। इस नैया पर दो पता का श्रद्धा और सबूरी, इस नैया पर दो पता का श्रद्धा और सबूरी, हाँ भव सागर के लहरों पर शुरू है मुसाफिरी, तेरे भरोसे चली है नैया, तेरे भरोसे चली है नैया, तू ही तारणहार। ओ साईं तेरे, ओ दाता तेरे, ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ दाता तेरे हाथों में दे दी पतवार। ये नैया हमरी साईं लगा दे उस पार, ये नैया हमरी साईं लगा दे उस पार। ओ साईं तेरे हाथों अल्लाह। अब साई तूने हमरी लगा दी नैया पार, अब दाता तूने हमरी लगा दी नैया पार। ओ साई तूने हमरी लगा दी नैया पार, ओ बाबा तूने हमरी लगा दी नैया पार। सुना है सबका फल मीठा होता है मेरे भाई, ये साबित कर दिया तूने मुझे फल दे के। ओ साईं देर कर दी तुमने बेटी, अब लाई हो इसे। अब आप मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। माँ कहती है तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरे मामा हो। मुझे किसी का सहारा नहीं है। बाबा आपने तो पानी से दीपक जलाए थे, मेरे कुलदीपक को बचा लो बाबा। बेटी तुम मुझ पर बहुत विश्वास रखती हो। हाँ, और विश्वास में ही भगवान बसता है। अल्लाह भला करे। माँ, माँ, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना मेरा लाल। अल्लाह माले। वहां गई है उसी ढोंगी फकीर के पास। उसने आज मेरा ही नहीं मेरी वैद्य का भी अपमान किया है। आज उस ढोंगी भिखारी के कारण कितने घमंड के साथ, कितनी अभिमान के साथ गई है।
आने दे आने दे, देखता हूँ उसे। हाँ आज उसकी मैं टांग तोड़ दूंगा, टांग। हाँ काय को वहां गई थी उसके पास, क्या मिला तुझे उसके पास, क्या मिला? हाँ कहाँ है मेरा बेटा? वो पाखंडी क्या ठीक करेगा मेरे बेटे को? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? हाँ बोल बाबा। बाबा आज साईं बाबा की कृपा से आपका बेटा बच गया, समझे? बाबा मेरा बेटा, बाबा मेरा मुन्ना, मेरा बाबा तू ठीक हो गया, मेरे गंगा मेरे बेटे, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बाबा, बाबा, मेरा बेटा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। क्या बात है भाई, किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? आप भी लीजिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। साईं बाबा की कृपा से शिरडी में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो गया। लीजिए वो मीठा। जरूर जरूर लीजिए लीजिए जरूर आप भी लीजिए। शास्त्रानुसार मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दशहरे से अच्छा और कोई शुभ दिन नहीं। बिल्कुल सही है, सही। हम सब साईं बाबा के पास चलकर निवेदन करते हैं। अवश्य। चलिए 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 चलिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक शिरडी के सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मिठाई की मिठास अभी भी सबके मुंह में घुली है ना? साईनाथ महाराज, आपकी कृपा से शिरडी में कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति भी मंदिर में आ गई है। बाबा इस दशहरे का मुहूर्त बहुत अच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो दशहरे के दिन मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों से कर देते तो बहुत अच्छा होता। जी बाबा, जी बाबा। देखेंगे बाबा। मैं चाहता था कि अगर आप बस सब सुन लिया, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा जाओ यहाँ से, कहा ना जाओ। जैसी आपकी मर्जी। बाबा बाबा चिंता मत करो, अल्लाह मालिक है। तुम कितनी जिद करते हो साई, क्या पेड़ों में पानी हम नहीं डाल सकते? हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। मगर बाबा तुम्हारी तबीयत? मुझे कुछ नहीं हुआ है लक्ष्मी। मेरी आंखों से देखो बाबा, तब पता चलेगा तुम कितने कमजोर हो गए हो। मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी, हम सब है ना काम करने के लिए। तुम्हारी सेवा से ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी मनुष्य मनुष्य के लिए काम करे यह गलत है। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए मैंने यह फकीरी का चोला पहना है। जा मेरी भिक्षा की झोली ले आ लक्ष्मी। नहीं बाबा, आज तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाने दूंगी। अरे आज जाना बहुत जरूरी है, आज नहीं गया फिर मौका नहीं मिलेगा। जा ले आ मेरी झोली। तहसीलदार साहब, देखते ही देखते दशहरे का दिन भी आ गया, लेकिन साईं बाबा ने अभी तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने का निर्णय नहीं लिया। भोले शास्त्री, बाबा की लीला तो बाबा ही जाने, भाई हमारी तो हिम्मत भी नहीं पड़ती उनसे पूछने की। मार्सा पति जी, लेकिन आज का मुहूर्त तो निकला चला जा रहा है। सत्य कह रहे हैं शास्त्री जी आप, लेकिन करे तो क्या करें। शास्त्री जी
बाबा तो स्वयं ही मुहूर्त है, जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। सही बात है सतगुरु। पर मेरी ये समझ में नहीं आता कि बाबा को घर घर भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, आजकल वो बीमार भी तो रहने लगे हैं। हाँ। हाँ। बाबा बाबा तुम कुलकर्णी हो ना? हाँ बाबा, हाँ, आप महान हो, आप दयावान हो बाबा, आप महान हो। उठो कुलकर्णी, उठो। आप बाबा, ये बाबा। अरे आज तो तुम्हारी रंगत ही बदल गई कुलकर्णी, बाल सफेद, चेहरे पर बुढ़ापा। क्या मेरी शरण में आते ही जवानी ने आंखें मोड़ ली? नहीं बाबा नहीं, आपकी शरण में आके तो मेरी आंखें खुल गई बाबा, खुल गई। मैं भटक गया था बाबा, मैं भटक गया था बनावटी रंगों और दवाओं से अपनी उम्र छुपाता रहा, लोगों को झूठ और अपने आप को धोखा देता रहा बाबा। अब मुझे अकल आ गई बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे वैद्यराज, जिंदगी तो अपने आखिरी पड़ाव की तलाश में भटक रहती है। आओ मेरे साथ, आओ। चलो चलो बाबा, चलो चलो बाबा। बाबा इसे पी लो बेटा, तकलीफ होती है बाबा। सब ठीक हो जाएगा, पी लो। बाबा बाबा मैं ठीक हो गया, बाबा मैं ठीक हो गया, बाबा मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया बाबा, बाबा मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया बाबा। अल्लाह मालिक, आओ कुलकर्णी। बाबा बाबा मेरे बाबा, आप लोगों की सारी बीमारी अपने शरीर पर ले लेते हो बाबा, आप महान हो बाबा, आप महान हो बाबा। तबीयत तो ठीक है ना बाबा? हाँ कुलकर्णी, चलो। अच्छा लक्ष्मी, लक्ष्मी आज दशहरा है और हम लोग द्वारका माई की सफाई कर रहे हैं, तेरे गाने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा लक्ष्मी। तेरे आंगन में धूनी जलाई।
को उसने मिटाया। साईं के विभूति से माथा सजाया, जीवन के हर दुख को उसने मिटाया। घर घर में सुख शांति लाई, साईं ने तेरे आंगन में धूनी जलाई, बाबा ने तेरे आंगन में धूनी जलाई। पाप विनाशिनी तू दुपहारी, विनाशिनी तू दुपहारिणी, मंगलमय तू धूनी। तेरी विभूति साईनाथ ने संजीवनी बनाई, संजीवनी बनाई, संजीवनी बनाई। बाबा बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा 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 क्या हुआ? अब्दुल काका ईट लक्ष्मी, ये क्या हुआ मुझसे अनर्थ? आपकी ईट टूट गई बाबा, ईट टूट गई। क्या देख रहे हो तात्या? देख नहीं रहा बाबा। तो सोच रहा हूं। क्या? यह कि इस ईंट की खासियत क्या है? आप इसकी इतनी हिफाजत क्यों करते हैं बाबा? यह कोई साधारण ईंट नहीं है तात्या, ये ईंट तो तेरे साईं की जान है, जिंदगी है इस फकीर की। ये ईट है तो तेरा साई है, ये ईट टूट गई तो तेरा साई भी। नहीं देवा, नहीं बाबा। लक्ष्मी, तात्या, जिंदगी के सफर में मौत से क्या डरना? जिंदगी की तो शुरुआत ही मौत तक पहुंचने के लिए होती है। मौत को अपना बनाकर चलोगे तो जिंदगी में मौत का खौफ नहीं, बल्कि उससे प्यार करने लगोगे। बाबा, तात्या, अभी तो तेरा साई अल्लाह मालिक। या अल्लाह, या परवरदिगार, ये क्या किया मैंने? बाबा, अब तो ईंट टूट गई, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा। नहीं बाबा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा, मेरी जान ले लो आप। बाबा, हमारी जान ले लो, सारी जान ले लो बाबा, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ। हमारी जान ले लो बाबा। अरे जीवन और मृत्यु तो एक चक्र है, जीवन के लिए क्या हंसना और मृत्यु के लिए क्या रोना। बाबा, जो जन्म लेता है उसे मृत्यु स्वीकार करनी होगी। अब तुम सब लोग जाओ। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, ऐसा मत कहो बाबा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा ना, जाओ जाओ सब लोग। अल्लाह मान जाओ। अम्रकर, अब्दुल, तात्या, श्यामा, तुम लोग भी जाओ। नहीं बाबा, नहीं बाबा। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ जाओ। लक्ष्मी, तुम भी जाओ। मैंने
नहीं जाऊंगी बाबा। लक्ष्मी मैंने कहा ना, तुम बहुत जिद करते हो बाबा। तीन दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है तुमने। लक्ष्मी मेरी बात सुनो। आओ लक्ष्मी आओ, आओ। पहले तुम चुपचाप ये भाकरी खा लो। लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो, मेरे पास समय बहुत कम है। लक्ष्मी तुमने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। लक्ष्मी लक्ष्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ये लो। मुझे पैसा तो क्या, नौकरों का मालिक भी नहीं बनना। मुझे सिर्फ आप चाहिए बाबा, सिर्फ आप। मैं तो अजन्मा हूं लक्ष्मी, अविनाशी हूं। मेरा जन्म ही कहां हुआ था जो मैं कहीं जाऊंगा। इस शरीर से अब मेरी आत्मा निकलकर अपने भक्तों के शरीर में निवास करेगी। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? लक्ष्मी मेरे जाने के बाद इस संसार के समस्त प्राणियों कण कण में मेरा ही दर्शन करना। लक्ष्मी यदि तुम इसका नित्य अभ्यास करोगी तो मेरे अनंत स्वरूप का अनुभव तुम्हें हो जाएगा। बाबा, बाबा। मुझे अब इस मस्जिद में अच्छा नहीं लगता लक्ष्मी। मुझे मुझे बूटी सरकार के पत्थरवाड़े में ले जाना। मैं वहां खुश रहूंगा। अल्लाह मालिक। बाबा बाबा विजयदशमी 15 अक्टूबर सन 1918 दोपहर 2:30 पर बाबा ने महासमाधि ली। साईं बाबा धन्य हो, साईं बाबा धन्य हो। यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? जिसे मेरे साईं बाबा प्यारे नहीं उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। चले जाओ यहां से। चला जाऊं लेकिन कहां जाऊं? जहन्नुम में जाओ, नरक में जाओ। नरक भी उसी का है, ये स्वर्ग भी उसी का है। इस दुनिया के जर्रे जर्रे के अनंत कोटि के मालिक तो मेरे बाबा ही हैं। मालिक एक बार मैंने तुमसे पूछा था, मुझे ऐसा एक इंसान बताओ जिसने भगवान को देखा हो। आज मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे एक भी स्थान ऐसा बता दो जहां मेरे भगवान मेरे साईं बाबा ना हो। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। देखा मेरे साईं बाबा का करिश्मा? धन्य है साईं बाबा। सन 1918 में साईं बाबा ने जो महासमाधि ली
वो तो सांसारिक नियमों का पालन मात्र था। बाबा का साकार स्वरूप तो आज भी अपने भक्तों के हृदय में जीवित है। सच्ची श्रद्धा से शिरडी में पांव रखने वाला बाबा की कृपा का पात्र बन जाता है। दूसरी ओर धर्म मजहब जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर बाबा की शिरडी हर तीज त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाती है। सशरीर रहते बाबा ने अपनी शिरडी में जो धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए थे वो आज भी उसी जोर शोर के साथ आयोजित किए जाते हैं। सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को बाबा की पालकी यात्रा द्वारका मस्जिद से निकलकर चावड़ी पहुंचती है। भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों भक्त मन में श्रद्धा और हृदय में सबूरी का दीपक जलाए शिरडी पहुंचते हैं। इस प्रकार साईं बाबा की साक्षात कृपा का अनुभव करके उनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।